हिमाचल में आई आपदा को लेकर नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने बताया कि जहां 16 शव बरामद हुए हैं, वहीं अभी तक 39 लोग लापता है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आपदा की इस घड़ी में जहाँ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है, प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, वहीं प्रदेश की सरकार प्रभावितों के हित में सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से आपदा आई है, सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। मेरा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार के कर्णधारों से ये निवेदन है कि वो सरकार की तरफ से राहत कार्यों में तेजी लाए, प्रभावितों को यथासंभव सहायता देने की कोशिश की जाए और बिना कोई बहाना लिए ईमानदारी के साथ इस आपदा से निपटने का मार्ग प्रशस्त करें। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपदा पिछले साल भी आई थी, पिछले साल भी प्रदेश का बहुत नुकसान और सैकड़ों लोगों की मौत ऐसी ही आपदा की घटनाओं में हुई थी, परंतु सरकार ने अभी तक उस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाई थी जब तक ये दूसरी आपदा आ गई। मैं आज वो प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि आपकी राहत राशि कितने प्रभावितों को पहुंची, कितनों को नहीं पहुंची, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अभी तक पिछली आपदा के भी ऐसे प्रभावित हैं जिनको जो राहत पैकेज आपने घोषित किया था उसका लाभ नहीं मिला है। ये निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। और दूसरा, उस आपदा से सरकार ने कुछ सीखा नहीं। मैं मानता हूं आपदा किसी को बताकर नहीं आती, परंतु फिर भी सरकार का कर्तव्य है कि कोई घटना घटती है, कोई आपदा घटती है तो उससे कोई सबक लिया जाए। पिछले साल बादल फटने की घटनाएं हुई, विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई और हमने कहा था कि आपदा राहत देने के बाद प्रभावितों को मदद देने के साथ साथ आप सर्वदलीय बैठक के साथ साथ विशेषज्ञों की बैठक भी करें, क्योंकि विषय आया था विधानसभा में भी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और आने वाले समय में इनमें बढ़ोतरी होगी, ये संभावना उस समय ही जता दी गई थी, परंतु सरकार ने एक साल में जो काम करना चाहिए था ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे एक्सपर्ट, चाहे वो प्रदेश के अंदर चाहे वो प्रदेश के बाहर, यहाँ तक कि अगर विदेश में भी कोई ऐसे एक्सपर्ट, तो उनसे सलाह लेना, उनसे बैठकर कोई योजना बनाना, इस दृष्टि से सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया और ना ही सरकार ने कोई संभावित आपदा से निपटने की कोई तैयारी की। नॉर्मली बरसात आती है तो बरसात से पहले भी अनेक विभागों की बैठकें करके, अलग अलग संयुक्त रूप से बैठकें करके संभावित आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी की जाती है, जिसको भी ये सरकार नहीं कर पाई, ये निश्चित रूप से इस सरकार की विफलता है। परंतु जैसे मैंने कहा, हम राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसमें अब देरी ना हो, प्रभावितों को राहत देने में,
विकास कार्यों को हुए के नुकसान को दूर करने में, और आगे और आपदा घटे उससे पहले उसकी तैयारी करने में, और कोई ऐसा एक्सपर्ट्स की मीटिंग करके कि आपदा घटे ही ना उसमें हम क्या कर सकते हैं, या आपदा घटने का कोई पूर्वानुमान लग सकता है, कुछ ऐसे सब विषयों पर सरकार जरूर विचार करे। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सहयोग करने को तैयार है और केंद्र सरकार से भी इस दृष्टि से हर मदद, हर तरह का सहयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।